कल जिस तरह से जो प्रकरण हुआ मंत्री हैं उन्होंने रिजिग्नेशन तक पेश किया, आपको क्या लगता है इन सभी प्रकरणों के बीच उनका दावा सही है? देखिए, मुझे मालूम नहीं है सभी विभागों के अंदर अन्य विभागों में क्या होता है, इसके बारे में कुछ कहना मुझे लगता है कि मेरा उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक जिस विभाग में मैं बैठा हूँ वहाँ इस प्रकार की कोई बातें नहीं हैं। मंत्री सरकार होता है और मंत्री जिस हिसाब से अपनी सूझबूझ से विभाग को चलाता है, हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। बहुत सीनियर लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ, लेकिन कभी किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं देखी गई है, इसलिए मेरा उस संदर्भ में कुछ कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपोलो का जो उद्घाटन समारोह में आए इसी से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात करना होगा हमने पहले ही बोल चुके हैं और यहाँ से हम अभी पटना जाएंगे तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। जीएस मिश्रा जी का एक बयान आया है, उसी पर प्रतिक्रिया चाह रहे थे कि अधिकारियों से तालमेल जो है बेहतर नहीं बैठ पाने की वजह से। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं ना हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। उन्होंने कहा कोई दूसरा मामला होगा इसीलिए वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे जिला के हैं, जिस धंधा से वो जुड़े रहे ना उस धंधा के हम उससे ज़्यादा जानकार लोग हैं। वो भी दवा धंधा से आए हैं, उनको अपना सीमा में रहना चाहिए। स्थानांतरण को लेकर मंत्री जी को क्या परेशानी? उनको दो दो विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश हैं और हमको ये जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जो वो बोले हैं प्रमाण, तो प्रमाण पत्र लेने वाले हमसे कौन होते हैं? संचिका मुख्य सचिव तक पहुँचा हुआ है, उसको इसका दो दिन से क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं? और वो कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले? अपने सीमा में रहना चाहिए उनको। ABP News आपको रखे आगे।